good morning students today uh, i am going to explain chapter 4 for class 5th part 1 students the chapter name is innovation in powerpoint the first topic is applying themes students topic kya hai applying themes themes are an inbuilt feature थीम्स क्या होते हैं इन बिल्ट फीचर होते हैं यानी पहले से ही बने हुए फीचर होते हैं विच ऑफ़र यू टू क्विक वे ऑफ चेंजिंग द लेआउट ऑफ लेआउट एंड डिज़ाइन जो कि क्या करते हैं हमें हमारे लिए क्विक वे यानी बहुत ही जल्दी हम थीम्स के थ्रू चें लेआउट चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन ऑफ अ प्रेजेंटेशन एक प्रेजेंटेशन का हम डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं दैट यू हैव क्रिएटेड जो भी प्रेजेंटेशन हमने बनाया है उसका थीम्स के थ्रू हम लोग उसका लेआउट और डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं ईच थीम्स हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ कलर्स फॉन्ट्स एंड इफेक्ट और हर थीम्स का अपना ही अलग एक कलर होता है फॉन्ट font, फॉन्ट्स uh, होते हैं और इफेक्ट्स होते हैं टू अप्लाई थीम्स टू योर आप अप्लाई करने के लिए थीम्स को आ, आ, अपने प्रेजेंटेशन में अप्लाई करने के लिए ओपन पावर पॉइंट एंड फॉलो द गिवन स्टेप्स आपको पावर पॉइंट पहले ओपन करना पड़ेगा और फिर इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा ठीक है अब देखिए क्या है स्टेप वन स्टेप वन में क्या है क्या करना है आपको क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब यानी कि आपको डिज़ाइन टैब ये देखिए आपकी पावर पॉइंट की विंडो ये पिक्चर्स के थ्रू आप समझ सकते हैं ए, ये पिक्चर पावर पॉइंट की विंडो है आपने यहाँ पे क्या किया है डिज़ाइन टैब में आपने क्लिक किया स्टेप टू में क्या करना है क्लिक ऑन द मोर ड्रॉप डाउन एरो ऑल द अवेलेबल थीम्स यहाँ पे मोर ड्रॉप डाउन एरो देखिए यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे इतने सारे ही थीम्स हैं और भी बहुत सारे थीम्स आपको डिस्प्ले होंगे एज़ यू एज़ यू हॉवर ऑफ द माउस पॉइंटर जैसे जैसे आप माउस पॉइंटर यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे ओवर अ थीम थीम पर यू कैन सी द प्रिव ऑफ थीम्स इन द प्रजेंटेशन आप यहाँ पर uh, uh, जो थीम्स uh, के जो प्रीव्यू हैं वो आपको वो आप देख सकते हैं कि किस टाइप के uh, uh, आप कौन सा आपको थीम्स पसंद आ रहा है उसमें से वो आप उसको चूज करके सेलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें स्टेप थ्री में देखिए क्या दिया हुआ है स्टेप थ्री में है सेलेक्ट द सेलेक्ट द थीम्स ये देखिए ये पूरा ये पूरा थीम्स आपको शो हो रहा है सेलेक्ट द थीम्स यू विश टू अप्लाई टू योर प्रेजेंटेशन आपने इसमें से इतना इतने थीम्स आपको दिखाई पड़ेंगे जो भी थीम्स आपको आ, आ, पसंद आ रहा है उसको आपने से इसमें इस ये वाला थीम्स इनको पसंद आ रहा है तो इन्होंने इस वाले थीम्स पे क्लिक किया तो ये देखिए ये आपके प्रेजेंटेशन जो बना था इसमें ये थीम्स अप्लाई हो गई हैं द थीम्स अप्लाई टू योर प्रेजेंटेशन ये अप्लाई हो गई है आफ्टर अप्लाइंग अ थीम्स आप थीम्स अप्लाई करने के बाद यू कैन सेलेक्ट डिफरेंट थीम्स कलर एंड ऑप्शन फ्रॉम द वेरियट ग्रुप आपको थीम्स अप्लाई करने के बाद आप इसमें डिफरेंट कलर ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हो कलर चेंज करने के लिए आ डिज़ाइन आइडियाज़ पेन अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो एक डिज़ाइन साइड आई डिज़ाइन पेन आइडिया का अपीयर होगा राइट right साइड जो विंडो के राइट right साइड में होगा दिस पेन शो यू मोर डिज़ाइन ऑप्शन फॉर योर प्रेजेंटेशन ये पेन क्या करेगा आपको बहुत और सारी डिज़ाइनें आपको आपके प्रेजेंटेशन के लिए और सारी डिजाइनें आपको शो करेगा क्लिक ऑन इट टू अप्लाई द आइडिया टू द करेंट स्लाइड आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा उस डिज़ाइन को अप्लाई करने के लिए ठीक okay, है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडिफाइंग थीम्स आफ्टर चूजिंग आफ्टर चूजिंग अ वेरिएंट वेरिएंट को चूज करने के बाद ये वाला जो था यानी कि जिसमें आप कलर कलर चूज कर सकते थे क्लिक ऑन द मोर ड्रॉप डाउन एरो इन द वेरिएंट ग्रुप आप कहाँ पे क्लिक करेंगे मोर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे जो कि वेरिएंट ग्रुप में है यू कैन चेंज द कलर फॉन्ट इफेक्ट एंड बैकग्राउंड स्टाइल आप क्या कर सकते हो वहाँ से कलर चेंज कर सकते हो फॉन्ट इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हो और बैकग्राउंड स्टाइल चेंज कर सकते हो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन जो भी ऑप्शन गिवन दिए हुए हैं उसमें से ये देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं आपको जो भी चीज़ें चेंज करना है उस पर आप क्लिक कर दोगे तो वो आपका चेंज हो जाएगा जिस भी स्टाइल में आपको चाहिए लेट अस लर्न हाउ टू चेंज दीज एलिमेंट्स चलिए हम देखते हैं कि कैसे इन एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं सेलेक्ट न्यू थीम्स कलर न्यू थीम्स अगर हमने थीम्स चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा टू चेंज द थीम्स कलर थीम का कलर अगर हमें चेंज करना है तो हमें ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा इसके लिए देखिए स्टेप वन में क्लिक ऑन द डिजाइन टैब सबसे पहले आपको डिजाइन टैब में देखिए ये स्टेप दिया हुआ यहाँ पे आपको डिजाइन टैब में सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा ये देखिए स्टेप टू टू में दिया हुआ है क्लिक ऑन मोड ड्रॉप डाउन एरो इन द वेरिएंट ग्रुप आपको यहाँ पे मोड ड्रॉप डाउन एरो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो इसमें से आपको शो हो जाएगा सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द ऑप्शन फिर आपको इसमें से ऑप्शन जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं ये देखिए ये यह देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे कलर ऑप्शन यहाँ पे आएगा जब कलर ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ से कलर अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है अमीनू ओपन विद वेरियस कलर्स ऑप्शन यहाँ पे ये देखिए ये मीनू ऑप्शन आएगा जिसमें बहुत सारे कलर्स आपका होंगे एज यू एज यू ओवर द माउस पॉइंटर ओवर द कलर ऑप्शन जब आप इसमें कलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यू कैन सी द प्रीव्यू ऑफ द कलर इन द प्रेजेंटेशन आप कलर का प्रीव्यू भी यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप चेंज कर रहे जैसे अगर ब्लू आपने किया तो यहाँ ब्लू हो जाएगा जैसे रेड किया तो रेड हो जाएगा इस टाइप का कलर आपका प्रीव्यू दिखा ये शो करता है आपका ठीक है नेक्स्ट क्या दिया हुआ है दिस हेल्प यू टू डिसाइड विच कलर ऑप्शन लुक बेस्ट फॉर योर प्रेजेंटेशन इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा कलर बेस्ट है स्टेप फोर में क्या करना है सेलेक्ट द थीम कलर यू वांट टू अप्लाई टू योर प्रेजेंटेशन आप थीम कलर को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको प्रेजेंटेशन में अप्लाई करना है द कलर आर अप्लाई टू योर प्रेजेंटेशन तो आपका जो कलर है वो आपका अप्लाई हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स थैंक यू